Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastav, your biology teacher. So, इसके पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस करी थी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जिसे हमें दिक्कत ना हो आगे के सेशंस में. हम इस सेशंस में भी उन्हीं टर्मिनोलॉजीज को कंटिन्यू करने वाले हैं एंड हम मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे हम उन्हें स्टडी करने का स्टार्ट करने वाले हैं इस सेशन में. सो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजीज को खत्म कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से. सो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज पनेट स्क्वायर. ओके, सो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज पनेट स्क्वायर. पनेट स्क्वायर क्या है? अ प्रोबेबिलिटी डायग्राम इलस्ट्रेटिंग द पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ मेटिंग. अब ये जो पनेट स्क्वायर है ये एक ऐसा डायग्राम होता है, मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि जो जीनोटाइप होगा वो ऑफस्प्रिंग का कैसा होगा. जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा ऑफस्प्रिंग का मेटिंग के बाद. यानी कि हमें जीनोटाइप किसका पता होना चाहिए, पेरेंट्स का भी पता होना चाहिए एंड उससे क्या कर सकते हैं हम, ऑफस्प्रिंग का जो है जीनोटाइप निकाल सकते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कौन सा ट्रेट जो है वो प्रोजेनी में एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, ये हम पता लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. प्रोबेबिलिटी क्या, चांसेस कि इस ट्रेट के एक्सप्रेस होने के कितने चांसेस हैं कितने नहीं है, ये सब हम पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज आर क्रोमोसोम्स. व्हाट आर क्रोमोसोम? इट इज अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड अपीयर्स एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन. इट इज थॉट टू कैरी जीन्स. क्रोमोसोम क्या होता है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमें सिर्फ सेल डिविजन के टाइम पे दिखता है एंड ये माना जाता है ऐसा कि वो जीन्स कैरी करते हैं. बहुत सारे जीन्स कैरी करते हैं जैसे कि हेयर कलर, लिप कलर एंड द कॉम्प्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल. ये सारे कौन डिसाइड करता है? जीन्स डिसाइड करता है जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है. नेक्स्ट इज आर हाइब्रिड. व्हाट इज अ हाइब्रिड? एन इंडिविजुअल हैविंग टू डिफरेंट एलील्स ऑफ द सेम ट्रेट. अब ये समझने वाली बात है, यार ध्यान दीजिए. अलील जो हमने बोला था वो क्या था? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन. यानी कि एक कैरेक्टर के दो डिफरेंट फॉर्म्स थे. ऑलराइट, तो हाइब्रिड क्या होगा? हाइब्रिड में जो है दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे. हाइब्रिड में जो है वो दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे, दोनों अलील्स प्रेजेंट होंगे किसी भी जीन के. लेकिन जो फॉर्म एक्सप्रेस होगा वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, जो भी जो एक्सप्रेस होगा उसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ, जो प्रेजेंट है जीनोटाइप में उसकी बात की जा रही है. तो हाइब्रिड वो होता है जिसमें दो अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई इंडिविजुअल है जिसमें कि टी और स्मॉल टी दोनों ही प्रेजेंट है, जिसके जीनोटाइप में बिग टी यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही प्रेजेंट है. लेकिन एक्सप्रेस कौन होगा? डोमिनेंट वाला ज्यादा ताकतवर है, कैपिटल टी जो है वो एक्सप्रेस होगा. तो ये क्या हुआ? डाईहाइब्रिड हुआ, क्योंकि उसमें टी और टी दोनों प्रेजेंट है, यानी कि कैपिटल टी भी प्रेजेंट है, टॉलनेस की भी अलील प्रेजेंट है एंड ड्वार्फनेस यानी कि उससे छोटा होने के भी अलील प्रेजेंट है, लेकिन जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस होगी. लेट अस सी मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अ हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस इन विच वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स. अब ये जो क्रॉस है ये किसके बीच में होता है? क्रॉस जो होता है वो पेरेंट्स के बीच में होता है एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है, मोनो यानी कि एक. ऑलराइट, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक कैरेक्टर पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का. जैसे कि अगर हम टॉलनेस के बारे में पढ़ रहे हैं यानी कि जो हाइट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम एक ही कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, एक ही जीन के बारे में पढ़ रहे हैं. ऑलराइट, ऐसा तो नहीं है कि हम हाइट के साथ साथ वेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, या फिर हम हाइट के साथ साथ कॉम्प्लेक्शन के बारे में भी पढ़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं है. सिर्फ हम हाइट को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ, तो एक ही कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे. नेक्स्ट जो है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस. व्हाट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस? अ क्रॉस इन विच वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ
कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब यहाँ मोनोहाइब्रिड में क्या कर रहे थे, सिर्फ एक कैरेक्टर पढ़ रहे थे। ऑलराइट, डाईहाइब्रिड यानी कि दो, डाई मतलब दो, तो हम यहाँ पे दो कैरेक्टर्स साथ में स्टडी करेंगे, उनके इनहेरिटेंस पैटर्न को साथ में देखेंगे। ऑलराइट, जैसे कि हम पी प्लांट में लेते हैं राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स, या फिर रिंकल्ड एंड येलो सीड्स, ऐसे हम क्या लेते हैं, सीड कलर लेते हैं या फिर सीड शेप लेते हैं। ऑलराइट, तो सीड कलर क्या हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, एंड शेप कैसा होता है, राउंड भी हो सकता है एंड रिंकल्ड भी हो सकता है। तो ऐसे करके हम लोग बहुत चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि फ्लावर कलर ले सकते हैं या फिर फ्लावर की जो शेप है उसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, अगर उसमें प्रेजेंट है ये कैरेक्टर तो हम इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, होमोजाइगस। What is homozygous? An individual which contains two same alleles of a gene and the trait is truly expressed in the condition. Now, अब ये जो homozygous organism है, ये एक ऐसा organism होता है जिसमें किसी भी trait के दो same alleles present होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं trait है height, यानी कि gene है हमारा height। तो height के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स प्रेजेंट है या फिर दोनों रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। ऑलराइट, इसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। इस कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। समझ में आ रही है बात। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज आर हेटरोजाइगस, आर इंडिविजुअल विच हैज टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स फॉर एनी वन कैरेक्टर एंड विल नॉट ब्रीड ट्रू फॉर दिस कैरेक्टर एग्जिस्टेंस ऑफ द डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स इन F1 हाइब्रिड पी प्लांट। अब ये समझने वाली बात है, जो हमने इसके पहले बात करी थी वो होमोजाइगस था, उसमें जो है कि कोई दो सेम अलील्स प्रेजेंट होंगे किसी भी कैरेक्टर के, एंड इसमें जो होगा हेटरोजाइगस में वो दो डिफरेंट अलील्स प्रेजेंट होंगे किसी भी कैरेक्टर के। फॉर एग्जांपल टॉलनेस ही ले लेते हैं हम लोग, हाइट ही ले लेते हैं, तो इसमें कैसे प्रेजेंट होगा, टी एंड स्मॉल टी, ये हो गया हेटरोजाइगस कंडीशन। होमो यानी कि सेम, हेटरो यानी कि अलग अलग, तो समझ में आ रही है, एक डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है एंड एक रिसेसिव वाला प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, प्रोजेनी। व्हाट इज अ प्रोजेनी, अ डिसेंडेंट और ऑफस्प्रिंग एज अ डॉटर ऑर्गेनिज्म। एक जो ऑफस्प्रिंग मिला हमें, जो ऑर्गेनिज्म न्यू मिला हमें, न्यू इंडिविजुअल मिला, उसे हम प्रोजेनी के रूप से जानते हैं। नेक्स्ट इज गेमेट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स कंटेनिंग ओनली वन सेट हैप्लोइड ऑफ डिसिमिलर क्रोमोजोम्स। गेमेट क्या होता है कि जो ऐसा एक मॉलिक्यूल होता है, ऐसा एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है, गैमेट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ऑलराइट, जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है, पूरा है, फुल है। अगर गैमेट में भी क्रोमोसोम नंबर फुल हो जाए तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो फ्यूजन होता है गैमेट्स का। ऑलराइट, तो एक गैमेट फिर दूसरे से फ्यूज करेगा, तो आपको नहीं लगता कि क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसे हमें अवॉइड करने के लिए नेचर ने एक ऐसा रूल बनाया है कि जो गैमेट होते हैं उनमें क्या होता है, सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड हाफ जो है वो दूसरे पार्टनर से आते हैं। ऑलराइट, और ये क्रोमोसोम क्या होंगे, एक दूसरे से सिमिलर नहीं होंगे, अलग अलग क्रोमोसोम्स होंगे। ऑलराइट, एक होगा स्किन कलर का, एक होगा हेयर कलर का, एक होगा हाइट का, तो ऐसा कोई सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। और क्या होंगे, यही सारे क्रोमोसोम यानी कि जो स्किन कलर है, जो हाइट है, जो और भी बहुत सारे होते हैं, यही सारे क्रोमोसोम्स दूसरे पार्टनर से भी आएंगे प्रोजेनी में। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा कि जो नंबर है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहेगा हर जेनरेशन में। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हमने पिछले स्लाइड में क्या किया, हमने सारे टर्मिनोलॉजीज को
कवर कर लिया। अब अगर मैं आपको समझाते वक्त अगर कोई टर्म यूज करूँ तो आपको समझ में आएगा, इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों को, तभी आप आगे कंटिन्यू करिए। नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। और तो ये जो मेंडल थे इन्होंने क्या किया, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किया था, ये मैंने आपको पहले बताया, इसके पहले वाले सेशन में भी बताया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, दो पी प्लांट लिए, ओके, दो पी प्लांट लिए जिनका उन्होंने एक कैरेक्टर जो है वो कंसिडर किया। वो एक कैरेक्टर क्या था, हाइट कंसिडर की उन्होंने। ऑल राइट, तो हाइट कंसिडर की, और दोनों क्या थे, दोनों का जो जेनेटिक मेकअप था, जो जीनोटाइप था, वो क्या था, होमोजाइगस था। होमोजाइगस यानी कि दोनों सेम अलील्स प्रेजेंट थे एक जीन के, यानी कि हाइट के जीन के सेम अलील्स प्रेजेंट थे। यानी कि एक पेरेंट क्या था, टी टी था, और दूसरा पेरेंट क्या था, टी टी था, स्मॉल टी, ओके। यानी कि क्या है, दोनों होमोजाइगस है, प्योर पेरेंट लिए, होमोजाइगस लिए। ऑलराइट, इन दोनों को उन्होंने, इन दोनों पी प्लांट्स को उन्होंने क्रॉस करा एफ वन जेनरेशन में, यानी कि फीलियल वन जेनरेशन में उन्होंने क्या करा, क्रॉस करा। अब दिखाती हूँ मैं आपको पनेट स्क्वायर, इस तरह का स्क्वायर होता है पनेट स्क्वायर। ऑलराइट, इस तरह का स्क्वायर होता है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है ये मेल होता है एंड ये फीमेल होगा, ओके। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा कि यहाँ लिख दिया पेरेंट्स का जो जेनेटिक मेकअप था। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने पेनेट स्क्वायर बना दिया। अब कैसे इसको लिखते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ जो पेरेंट है उसका मैंने लिख दिया कैपिटल टी फादर का, एंड मदर का स्मॉल टी, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब क्या करेंगे हम, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी मिलके बन जाएगा यहाँ पे टी टी, एंड क्या होगा उसके बाद, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी बनके अगेन टी टी हो जाएंगे, फिर ये कैपिटल टी, ये कैपिटल स्मॉल टी बनके फिर टी टी हो जाएगा, एंड ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी फिर से टी टी हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये सारे जो इंडिविजुअल्स हमें मिले, ये आपको नहीं लगता कि हेटरोजाइगस हैं, क्योंकि क्या है, इनमें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ अलील्स प्रेजेंट हैं एक ही जीन के, तो ये क्या है, हेटरोजाइगस है। अब बात करते हैं कि इनके फीनोटाइप की, ये तो जीनोटाइप था, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था। ऑलराइट, फीनोटाइप यानी कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, जो फीलियल वन में उन्हें प्लांट्स मिले उन सब का जो था, जो अपीयरेंस थी वो क्या थी, टॉल थी, यानी कि सभी लंबे थे, लेकिन उन्होंने एक शॉर्ट पेरेंट भी लिया था, यानी कि स्मॉल टी किसे रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट हाइट को, तो उन्होंने शॉर्ट पेरेंट भी लिया था, लेकिन सारे ऑफस्प्रिंग क्या हुए, टॉल हुए। यानी कि जो डोमिनेंट रेट है, जो ज़्यादा ताकतवर रेट है वो क्या है, कैपिटल टी है। जो डोमिनेंट अलील है वो क्या है, कैपिटल टी है। तो जो भी प्लांट्स हेटरोजाइगस कंडीशन में हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कैपिटल टी जो है वो इनफ है किसी भी प्लांट को टॉल हाइट देने के लिए, यानी कि वो डोमिनेंट है। ऑलराइट, तो हम इस लॉ के बारे में देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जो डोमिनेंट रेट होगा वो अपने आप को हेटरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, या फिर जो भी ट्रेट अपने आप को हेटरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर लेगा उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे, एंड जो अपने आप को हेटरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसे हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। इन अ हेटरोजाइगोट यानी कि जिसमें दो अलील्स प्रेजेंट हो एक ही जीन के, वन ट्रेट विल कैंसिल द प्रेजेंस ऑफ, कंसील द प्रेजेंस ऑफ अनदर ट्रेट फॉर द सेम कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ क्या हुआ, टॉलनेस जो कैपिटल टी था उसने कंसील कर दिया स्मॉल टी के इफेक्ट को, यानी कि ढक दिया स्मॉल टी के इफेक्ट को। द रिसेसिव अलील विल रिमेन लेटेंट बट विल बी ट्रांसमिटेड टू
ऑफस्प्रिंग बाय द सेम मैनर इन विच द डोमिनेंट अलील इज ट्रांसमिटेड। अब यहाँ क्या हुआ कि भले ही डोमिनेंट अलील ने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया हो, ओके, उसने क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया क्योंकि वो डोमिनेंट है, ज्यादा ताकतवर है, ओके, लेकिन जो टी टी थी यहाँ पर क्या था, मेरे पास स्मॉल टी भी थी, ऑल राइट, स्मॉल टी भी प्रेजेंट था, ये तो डोमिनेंट है इसीलिए इसने एक्सप्रेस करा खुद को, इसने इसके इफेक्ट को मास्क कर दिया, ढक दिया, लेकिन ये प्रेजेंट तो थी, ओके, तो चूंकि इसकी प्रेजेंस थी यहाँ पे, तो ये क्या होगी कि दूसरे जनरेशन में जाएगी ही जाएगी, ये फॉर्म ऑफ अलील दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होगा, ऐसा नहीं है कि उसका ट्रांसमिशन रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उसकी ट्रांसमिशन रुक जाएगी, बट क्या होगा कि सिर्फ ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ डोमिनेंट ये अलील प्रेजेंट है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है उसमें हम बात करेंगे कि फिलियल टू जनरेशन में क्या हुआ, यानी कि जब फिलियल वन जनरेशन के प्लांट्स को उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट किया तो क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्लास और इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।